एक प्लेट का कितना है? कितना है ऑनर का जूस एक कप का? सभी का स्वागत है, मेरा चैनल पे मेरा जो ब्लॉग है कहाँ का बनने वाला है आप लोग मेरा कंटेंट में और मेरा थंबनेल में देख के आप लोगों को पता चला सकता हूँ। एनजीटी पे हूँ तो आज एक्चुअली मैं एफएम से 7 AM में निकाला हुआ था। मेरा को ब्लॉग बनाने का दिल नहीं कर रहा था, इतना गर्मी में यहाँ भी सिलगुड़ी पे, तो आप लोगों को पता ही है एफएम पे हम लोग बहुत ठंडा जगह से आए हुआ ना, इसके लिए सिलगुड़ी पे अभी बहुत गर्मी पड़ा है, तो इसके लिए मुझे बहुत दिक्कत हुआ, तो मैंने इमरजेंसी पे ट्रेन का टिकट लिया हुआ है। एनजीपी से डीमापुर के लिए ट्रैवल करने वाला था, तो डीमापुर का ट्रेन का टिकट डायरेक्टली नहीं मिला, अभी इमरजेंसी पे आकर ट्रेन का टिकट लिया हुआ है, तो मेरा सिर्फ गुवाहाटी तक मिला, उसके गुवाहाटी के बाद फिर मुझे गाड़ी चेंज करके जाना पड़ेगा, तो मैं अभी जितना अभी इधर से एनजीपी से गुवाहाटी तक का ब्लॉग बनाऊंगा, तो आप लोग देखते रहिए, और आप लोग के नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बोल के देख रहा होगा वो दबा दीजिए, और उसके बाद बेल आइकन भी दबा दीजिए, तो देखते रहिएगा इस वीडियो का। तो मेरा अभी मेरा शाम का 6 बजे का 6:30 का ट्रेन है, ट्रेन का टिकट, तो उसके बाद मैं मॉर्निंग 3:30 पे गुवाहाटी पहुँच जाऊँगा, उसके बाद फिर मुझे डीमापुर का उसके बाद मुझे फिर से डीमापुर का ट्रेन पकड़ के जाना पड़ेगा। तो एक्चुअली मैं सोच रहा था कि ब्लॉग अच्छा से बनाऊंगा पर बना नहीं पाया, क्योंकि इतना गर्म है और मेरा पास इतना बैग है, बैग छोड़ के भी मैं जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं एकला छोड़ रहा हूँ, तो बैग छोड़ के मैं जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा बैग वगैरह मैंने एक जगह पे सेफ जगह पे रखी है, इसलिए मैं बाहर जाकर काटने से पैसा मिलेगा। एक टिकट का कितना है? फेसबुक में बोल सब मिल जाएगा। एक टिकट का कितना है? एक टिकट नहीं मिलता। कितना मिलता है? पाँच। तो ये अभी खरीदेगा या अभी मिल जाएगा हम लोग का प्राइस? नहीं अभी नहीं, वो रिजल्ट जब आएगा तब तो हम लोग को लेट हो जाएगा। ठीक है, नहीं मुझे नहीं करना। थैंक यू। कितना है ऑनर का जूस एक कप का? 20 रुपये। तो मुझे एक बना दो ना, मैं अभी अनार का जूस पीने वाला हूँ, तो भैया जी जो है मुझे अनार का जूस बना के पीना ले वाला है, भैया थोड़ा जल्दी कर दीजिए ना। और इधर में एक प्लेट का कितना भैया? तो ये 20 बोल रहे हैं, तो मैं एक प्लेट खाने वाला हूँ, भैया एक प्लेट बना दो ना। अभी भैया जी जो है मुझे अमरूद बना के खिलाने वाला है, बोला मैं सुबह से कुछ नहीं खा के आया था घर से, तो अभी आने कुछ नहीं। भैया तीखा भी डालता है क्या? हाँ, तीखा मत डालो मुझे, ठीक है? हमें टीका नहीं खाता, मैं टीका बनाऊंगा। ये रहा, ठीक है। और मैंने बैग रख कर रखा हुआ था, तो मेरा बैग अभी इधर पे, तो वैसे अभी हम लोग रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं।
क्योंकि अभी 5:30 हो चुका है, तो हम अपना ट्रेन जो है 6:30 का है, हम सुना है कि थोड़ा जल्दी पहुँचने वाला है, 5:15 आखिरी 6:15 पे पहुँचने वाला है, तो अभी 5:30 हो चुका है, तो उसके लिए हम लोग स्टेशन की तरफ निकल रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हम लोग का ट्रेन आ रहा है, तो अभी शाम हो चुका है। इतना सारा बारिश हो रहा है, तो एक्चुअली ट्रेन जो है 6:30 में आने वाला था, लेकिन अभी जल्दी पहुंच गया, तो 6:15 पे पहुंच गया है, उसके लिए बहुत बारिश हो रहा था, तो मैंने हम लोग को बाहर का जो ट्रेन आया था उसी में आना ही पड़ा, अभी बहुत बड़ा बारिश हो रहा था, तो मैंने हम लोग पार्टी के बाद फिर मैं दूसरा ट्रेन पकड़ना पड़ेगा दीमापुर के लिए, फिर दीमापुर से मणिपुर जाने के लिए ट्रेन आएंगे, उसके बाद फिर मुझे बस वगैरह पकड़ना पड़ता है। देखिए अभी हम लोग एनजीपी स्टेशन पे, और इतना सारा बारिश हो रहा है, अभी मैं ये विंडो खोल नहीं सकता हूँ क्योंकि सब पानी जो है अंदर पे आ रहा है, तो ठीक है चलिए देखते हैं। ट्रेन चलने का शुरू करते हैं, तो बारिश हो रही है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को बाहर का नज़ारा देखा नहीं पा रहा हूँ, तो मैं भी अंदर में हूँ और बहुत गर्मी लगा है मुझे, तो इसके लिए मैंने टी शर्ट वगैरह भी चेंज कर दिया, तो पहले देखते हैं आज हम लोग गुवाहाटी कितना बजे पहुँच जाएंगे, शायद सुबह का लगभग 2:30 बजे पहुँच जाएंगे हम लोग, तो देखते हैं कितना बजे तक पहुँच जाएंगे, फिर उसके बाद मेरे को सुबह तक रोकना पड़ेगा क्योंकि मेरा कोई पैसा नहीं उधर पर गुवाहाटी पर, और चले देखिए और वीडियो को देखते रहिए अंतिम तक बने रहिए। ट्रेन का खाना एक्चुअली मैंने 9 में ऑर्डर किया था, 9 PM में पहुँचेगा बोला था, तो अभी 10:30 हो चुका है, इतना भूख लगा था, तो ये बिरानी राइस है ट्रेन का, इवनिंग का 10 बज चुका है, तो एक्चुअली मैंने 9 PM में ऑर्डर किया था, तो अभी 10 PM हो गया है, तो अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तो ये रहा बिरानी।